अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लंदन में हूँ और बकिंघम पैलेस के एंट्रेंस के बिल्कुल सामने मेरे पीछे बकिंघम पैलेस एंट्रेंस है और यहाँ से हम बकिंघम पैलेस की तरफ दाखिल हो रहे हैं। मेरे बाएं तरफ बाग में बहुत खूबसूरत फूल हैं। बहुत से लोग बकिंघम पैलेस की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग वापस आ रहे हैं। ये रास्ता सीधा बकिंघम पैलेस की तरफ जा रहा है और एंट्रेंस से लेकर बकिंघम पैलेस तक तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है। ये सीधी सड़क बकिंघम पैलेस की तरफ जा रही है और मेरे बाएं तरफ एक बहुत खूबसूरत पार्क है और साथ एक झील भी है और मेरे दाएं तरफ एक बहुत ऊंचा मुजस्मा लगा हुआ है। और ये राइट साइड पे बहुत से लोगों की रेजिडेंसीज हैं जो कि बकिंघम पैलेस के अंदर काम करते हैं। जी ये मेरे बाएं जाने बहुत खूबसूरत गेट लगा हुआ है और ये गेट इस पार्क में लगा हुआ है जिसके साथ झील है। अभी हम बकिंघम पैलेस की तरफ चलते हुए जा रहे हैं, बस 4 से 5 मिनट तक पहुंचने वाले हैं। बकिंघम पैलेस के बिल्कुल सामने पहुंच चुका हूं। अब बकिंघम पैलेस सेंट के इलाके वेस्टमिंस्टर में वाकया है और ये बकिंघम पैलेस असल में है क्या, ये मलका बरतानिया की रिहाइश गाह है। इस पैलेस की तामीर 1703 में शुरू हुई और 1705 में मुकम्मल हुई। इसके 5 फ्लोर हैं और 2 लिफ्ट लगी हुई हैं और इसमें टोटल 775 कमरे हैं। स्टेट रूम, 52 रॉयल एंड गेस्ट बेडरूम्स, 188 स्टाफ बेडरूम्स, 92 ऑफिसेस और 78 टॉयलेट्स हैं। 1514 दरवाजे और 760 खिड़कियाँ हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस महल पर 9 बम गिराए गए, जिसकी वजह से इसे काफ़ी नुकसान पहुँचा था। बाद में फिर इसकी रेनोवेशन हुई और दोबारा तामीर हुई और इसे फिर दोबारा से काबिल इस्तेमाल हुआ है। 300 चिमनी है और इसका रकबा 39 एकड़ से ज़्यादा है और इसके अंदर 40,000 से ज़्यादा लाइट्स लगी हुई हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये बल्कि बरतानिया की रिहाइश गाह है और वक्त के साथ साथ इसमें रेनोवेशन वगैरह होती रहती है। अगर आप इसको अंदर से देखना चाहते हैं तो इसकी दाखिला फीस है बड़ों के लिए 30 पाउंड 18 से 24 साल के लिए 19 पाउंड 50p और 5 से 17 साल के बच्चों के लिए 16 पाउंड और 50p और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। आजकल मलका यहाँ कम विंडसर कैसल में ज़्यादातर रहती है। विंडसर कैसल यहाँ से 32 किलोमीटर 20 मील के फासले पर है। सबसे बड़ा प्राइवेट गार्डन भी इसी महल में है और यहाँ पर सालाना 50,000 से ज़्यादा मेहमान आते हैं। पुलिस स्टेशन, सिनेमा, हेल्थ क्लिनिक और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये महल से ज़्यादा एक टाउन सा लगता है।
अभी तक मैंने बकिंगम पैलेस के बारे में जो आपको बताया है और जितना दिखाया है, यहाँ तक बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई टिकट नहीं है। अगर आपने बकिंगम पैलेस को अंदर कमरों तक देखना है तो उसकी टिकट है। तो जितना मैंने आपको दिखाया है यहाँ तक कोई टिकट नहीं है। और इसके साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।